बीजापुर में CAF का एक जवान IED प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हो गया है। DRG और CAF के ओपनिंग पार्टी सर्चिंग के लिए निकली थी, इस दौरान बम को निष्क्रिय करते वक्त IED ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद जवान को रायपुर रेफर किया गया है। बीजापुर में माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आने से एक जवान रितेश पटेल घायल हो गया है। आज सुबह बुर्जी व पुसनार के बीच निर्माणाधीन सड़क कार्य में सुरक्षा प्रदान करने जा रही पुलिस पार्टी को नक्सलियों द्वारा लगाया हुआ सीरियल IED बरामद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार DRG और CAF के जवान गंगालूर से पुसनार के बीच निर्माणाधीन सड़क पर सर्चिंग के लिए रोड ओपनिंग पार्टी निकली थी। इसी बीच नक्सलियों के षड्यंत्र में पार्टी फंस गई। नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देने पुसनार के करीब से 5-5 किलो के 2 IED बिछा रखे थे। सर्चिंग पार्टी ने जब बम देखा तो IED प्रेशर बम को निष्क्रिय कर रहे थे कि बम में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से CAF का जवान रितेश पटेल बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके कमर और पैरों को काफी चोटें आई हैं। घायल जवान को आनन फानन में उपचार के लिए बीजापुर जिला चिकित्सालय भेजा गया है, जहां जवान का प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। अब रायपुर में जवान का इलाज जारी है। घटना की पुष्टि SP कमलोचन कश्यप ने की है। वहीं बीजापुर के ASP मिर्जा जियारत बेग ने बताया कि गंगालूर थाना इलाके के इस इलाके में शासकीय निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहां सड़क निर्माण चल रहा है, जहां टीम रोड ओपनिंग के लिए निकली थी। बुर्जी पुसनार गांव की तरफ जो गंगालूर थाना का क्षेत्र है, वहां पर प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, जिसमें रोड निर्माण का कार्य चल रहा है और उसकी सुरक्षा में प्रतिदिन CRPF 600 बल और जिला पुलिस बल के साथ DRG की टीम जाती है। सवेरे ID ट्रेस हुई थी उस जगह पर, तो उसको डिस्पोजल करते समय, डिफ्यूज़ करते समय ID ब्लास्ट होने से CF 19 बटालियन का जवान घायल हुआ है, जिसके कमर से नीचे हिस्से में दोनों पैर में चोटें आई हैं। अभी उसकी कंडीशन डॉक्टर देख रहे हैं और जैसा भी होगा इसे प्राइमरी बैंडेज वगैरह करने के बाद रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।